नमस्कार दोस्तों, पैरा ओलंपिक गेम समाप्त हो चुके हैं। पैरा ओलंपिक गेम पर प्रश्न आपसे पूछे जाएंगे, उन प्रश्नों को हम डिस्कस करने जा रहे हैं। 20 प्रश्नों के माध्यम से ये पूरा पैरा ओलंपिक गेम हम यहाँ पर समाप्त करेंगे और ये ऐसी श्रृंखला होगी, इसको देखने के बाद कोई भी क्वेश्चन आपका बाहर नहीं जाएगा इनसे जो पैरा ओलंपिक पर पूछा जाएगा। ऐसा ही एक वीडियो आपको ओलंपिक पर भी मिल जाएगा और उसको प्लेलिस्ट में देखिएगा, और दोनों को देखने के बाद सारे ओलंपिक्स के जो प्रश्न हैं आपके तैयार हो जाएंगे। हमारी टेस्ट सीरीज में तो ये प्रश्न रहेंगे ही, अलग से भी ये मैं आपको दे रहा हूँ। इसका अगर आपको पीडीएफ चाहिए होगा तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को फॉलो करें, नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ है और वहां से आप अगर इसको डाउनलोड करके एक दो बार रिवाइज कर लेंगे, वीडियोज को एक दो बार देख लेंगे तो सारे प्रश्न आपके तैयार होंगे। पहला प्रश्न आपके सामने है, मिसलेनियस प्रश्न हमने इसमें रखे हैं जिससे हर क्रम से आपका ये तैयार हो जाए। टोक्यो पैरालंपिक में योगेश कथुनिया ने रजत पदक जीता, इनका संबंध किस खेल से है? डिस्कस थ्रोवर है योगेश कथुनिया और पुरुषों के डिस्कस थ्रो में F56 फाइनल इवेंट में इन्होंने रजत पदक जीता है। तो दो चीजें यहां पर आपको याद रखनी है कि कौन सा पदक इन्होंने जीता है और दूसरा चीज ये कि किस खेल से संबंधित है ये, और यही प्रश्न आपसे ऐसे पूछे जाएंगे। भारत के मरियप्पन थंगावेलु ने टोक्यो पैरालंपिक में पुरुषों की ऊंची कूद में कौन सा पदक जीता है? तो मरियप्पन थंगावेलु ने रजत पदक जीता है और थंगावेलु पुरुषों की ऊंची कूद से रिलेटेड है, ये भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। किससे रिलेटेड है? पुरुषों की ऊंची कूद से, और ये सारे लोग दिव्यांग हैं, ये ध्यान रखिएगा। टोक्यो पैरालंपिक खेलों में कौन सा देश शीर्ष स्थान पर रहा है? और ये देश है चीन। टोक्यो पैरालंपिक में चीन जो है वो शीर्ष स्थान पर रहा है। ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न होने वाला है क्योंकि ये आपसे पूछा इसलिए जाएगा क्योंकि इसमें आप जापान को टिक कर देंगे। यहाँ पे जापान मैंने इसीलिए रखा भी नहीं है। और अंतिम पायदान पर कौन रहा है ये भी आपको इंपॉर्टेंट रखना है, याद रखना है। और देश के वैसे अंतिम पायदान से ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि भारत का क्या योगदान रहा है, भारत ने कितने पदक प्राप्त किए हैं, तो इसको अभी हम देखेंगे। देश में जो चीन है उसने 207 पदक प्राप्त किए हैं, इसमें 96 स्वर्ण है, 60 रजत है और 51 कांस्य है। 96 और 60 और 51, ये 51, 96 और 60 और 51, इस तरीके से ये शीर्ष स्थान पर रहा है। और टोटल इसको आप जब कैलकुलेट करेंगे तो ये 207 इसके पदक हो जाएंगे चीन के, ठीक है। इसके बाद किसका स्थान रहा है? तो सेकेंड स्थान पर यूएसए रहा है। और उसके बाद ये ध्यान रखिएगा कि लगातार पांचवी बार है जब चीन ने पैरा ओलंपिक खेलों में स्वर्ण पदक और समग्र तालिका में दोनों में सबसे शीर्ष स्थान प्राप्त किया है। तो ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है, आपको इस लिहाज से ध्यान रखने हैं कि पेपर में आएंगे ही। टोक्यो पैरा ओलंपिक 2020 किस क्रम का ग्रीष्मकालीन पैरा ओलंपिक था? टोक्यो पैरा ओलंपिक तो ये था 16वां, इसके पहले 15 हो चुके थे और 15 के बाद में ये वाला 16वां था, ठीक है। बी ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट है। 24 अगस्त से 5 सितंबर तक ये चला है, ये डेट भी इंपॉर्टेंट है। 24 अगस्त से ये स्टार्ट हुआ था और 5 सितंबर तक ये चला है 2021 में। 20 में इसको होना था, 21 में इसलिए क्योंकि कोरोना आ गया। टोक्यो पैरालंपिक 2020 में टेबल टेनिस में पदक जीतने वाली पहली भारतीय खिलाड़ी कौन बन गई? ऐसे जब प्रश्न पूछा जाएगा कि पहली भारतीय खिलाड़ी कौन बनी, तो ये बनी थी भाविना पटेल। भाविना पटेल से पहले टोक्यो पैरा ओलंपिक में जो इन्होंने जीता है, किसी भी मतलब टोक्यो पैरा ओलंपिक में कोई भी किसी भी स्ट्रीम में कोई आपका कोई भी पदक नहीं आया था। तो अगर ये प्रश्न बनाया जाता है तो यह है भाविना पटेल, और भारत की भाविना पटेल ने पदक जीतने के क्रम में पहला पदक भारत की झोली में डाला था। बार बार मैं इस पे जोर इसलिए दे रहा हूं, और इनको रजत पदक मिला था, ये भी ध्यान रखिएगा। उन्होंने जीता क्या था? रजत पदक जीता, ठीक है। बी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। और ये किस खेल से रिलेटेड है ये पूछ लिया जाए तो टेबल टेनिस से रिलेटेड है। टोक्यो पैरालंपिक 2020 में किस खिलाड़ी ने पुरुषों की ऊंची कूद में रजत पदक जीता है? और ये है निषाद कुमार, इनका नाम है निषाद कुमार। 2020 का जो भारतीय टीम का पूरा अब की बार का जो परफॉर्मेंस रहा है वो अभी तक का सबसे श्रेष्ठ परफॉर्मेंस रहा है। तो इन लोगों के नाम और इन लोगों के क्षेत्र किस खेल से रिलेटेड है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। टोक्यो पैरालंपिक 2020 में भारतीय थीम गीत क्या था?
हर एक देश का अपना थीम गीत होता है, भारत का भी था, तो इसका था कर दे तू कमाल, कर दे कमाल तू, कर दे कमाल तू, ए ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। और इस गाने को एक दिव्यांग क्रिकेटर है, वो खिलाड़ी, उनका नाम है संजीव सिंह, संजीव सिंह, इन खिलाड़ी का नाम याद रखिएगा, ये क्रिकेटर है संजीव सिंह, ये भी दिव्यांग है, तो इन्होंने ही इसको कंपोज किया, कंपोजिशन इन्होंने किया और इन्होंने ही इसको गाया है, सिंगिंग भी इन्होंने ही की है। भारत ने किस वर्ष सर्वप्रथम पैरा ओलंपिक खेलों में भाग लिया था, ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। मैंने कहा ना कि इसको देखने के बाद कोई भी प्रश्न आपका छूटेगा नहीं, लगभग सब कवर हो जाएगा। तो 1968 में सबसे पहले भारत ने पार्टिसिपेट किया था, है ना, और बाद में 2016 रियो ओलंपिक तक भारत ने बहुत बड़ा कुछ नहीं करके दिखाया था, केवल 12 पदक अभी तक जीते थे भारत ने। 1968 से शुरू किया और 2016 तक टोटल इसके 12 पदक थे, और इस बार कितने हैं? भारत ने टोक्यो पैरा ओलंपिक में कितने पैरा एथलीट को भेजा, वो प्रश्न भी हम बता रहे हैं आपको कि कितने हैं, वो भी प्रश्न है। तो भारत ने टोक्यो पैरा ओलंपिक में कितने पैरा एथलीटों का दल भेजा था, ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो हमारे देश से 54 लोग गए थे, 54 लोग, ये सारे पैरा एथलीट थे और अभी तक की ये सबसे बड़ी टुकड़ी भी थी। और कितने खेलों में इन लोगों ने पार्टिसिपेट किया है, तो ये 9 खेलों में इन्होंने, 9 खेल विधा आप कह सकते हैं, 9 खेल विधाओं में इन्होंने पार्टिसिपेट किया है, प्रतिस्पर्धा में इन्होंने भाग लिया है। तो इस प्रश्न का उत्तर बी हो जाएगा। टोक्यो पैरालंपिक के उद्घाटन समारोह में भारतीय ध्वजवाहक कौन था, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। टेक चंद जो कि एक जैवलिन थ्रोअर है, उन्होंने टोक्यो पैरालंपिक के उद्घाटन समारोह में ध्वजवाहक किए थे। और समापन समारोह में अगर आपसे पूछ लिया जाए टेक चंद, और ये है क्या, ये जैवलिन थ्रोअर है, जैवलिन थ्रोअर ये है, और अगर आपसे ये पूछ लिया जाए कि भारतीय ध्वजवाहक समापन समारोह में कौन था, तो ये थी अवनी लेखारा। अवन लेखारा ने क्या किया, गोल्ड जीता था, तो अवन लेखारा को समापन समारोह में दिया गया ध्वजवाहन का कार्य। तो ए ऑप्शन इसका ये करेक्ट है, टेक चंद। टोक्यो पैरालंपिक 2020 में भारत कुल 162 देशों में से ओवरऑल मेडल टैली में किस स्थान पर रहा है, तो भारत का अगर स्थान देखेंगे तो इस 24वां स्थान रहा है, 24th रैंक इसकी रही है। टोटल अगर आप मेडल देखेंगे किसने, किस देश ने कितना मेडल प्राप्त किया, तो इसका 24वां स्थान भारत का रहा है। और भारत ने जो जीते हैं, भारत के जो पदक हैं उनकी संख्या भी आपको पता होनी चाहिए, आगे ये खैर प्रश्न भी है, लेकिन मैं आपको यहाँ पर भी एक बार बताया दे रहा हूँ, भारत कुल 24वें स्थान पर रहा और इसमें 5 स्वर्ण, 5 इसने गोल्ड जीते, और 5 गोल्ड के बाद में आप नोट कर लीजिए 8 इसने रजत जीते हैं, है ना, सिल्वर जीते हैं, और उसके बाद में ब्रोंज इसने जीते हैं 6 इसने ब्रोंज जीते हैं। तो 8, 5, 13, 6, 19, ये ध्यान रखना, ये 19 टोटल इनके मेडल हैं, टोटल पदक हैं, 19 मेडल्स इन्होंने जीते हैं। बी ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट है। अगला जो प्रश्न है, टोक्यो पैरालंपिक में कौन सा खेल पहली बार शामिल किया गया था, ये भी बहुत बढ़िया प्रश्न है। टोक्यो पैरालंपिक में ताइक्वांडो को पहली बार जगह दी गई थी, ताइक्वांडो, बी ऑप्शन इसका करेक्ट है। और ये 16वां ग्रीष्मकालीन ओलंपिक था, ये बिल्कुल याद रखिएगा, 24 अगस्त से 5 सितंबर के बीच में चला, और इसमें पहली बार बैडमिंटन को भी जगह दी गई है, ये भी आप नोट कर लीजिए, बैडमिंटन। और बैडमिंटन के बारे में एक फैक्ट अभी आपको मिलेगा जो यूपी से भी रिलेटेड हो जाएगा, तो बैडमिंटन और ताइक्वांडो ये दोनों को पहली बार इसमें शामिल किया गया है। टोक्यो पैरालंपिक 2020 में भारतीय स्वर्ण पदक विजेताओं ने से संबंधित कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है, एथलेटिक्स और बैडमिंटन, निशानेबाजी और एथलेटिक्स, ऐसे दिया हुआ है कि कौन किस क्षेत्र से रिलेटेड है, तो आपको बताना है कौन सा सही नहीं है। तो एथलेटिक्स सुमित अंतिल, पुरुष भाला फेंक ब्रैकेट में दिया हुआ है, और बैडमिंटन प्रमोद भगत, पुरुष एकल दिया हुआ है, और निशानेबाजी में मनीष नरवाल दिया है मिक्स्ड 50 मीटर पिस्टल, और एथलेटिक्स अमन लिखारा दिया है। तो एथलेटिक्स अमन लिखारा ये गलत हो जाएगा, क्योंकि जो अमन लिखारा है ये क्या है, ये 10 मीटर एयर राइफल स्टैंडिंग में इन्होंने गोल्ड जीता है, तो ये शूटिंग से रिलेटेड है, है ना। तो डी ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ऐसे प्रश्न आपसे पूछे जाएंगे ओलंपिक पे भी और पैरा ओलंपिक पे भी, खेल और खिलाड़ी किस क्षेत्र से रिलेटेड है।
और टोक्यो पैरालंपिक 2020 में भारत द्वारा जीते गए पदकों की संख्या, तो मैंने अभी आपको बताया था, इसको बताने की जरूरत नहीं है, आप उत्तर दे सकते हैं। स्वर्ण की संख्या तो बिल्कुल याद रखिएगा, 5 स्वर्ण 8 रजत और 6 कांस्य, 5 स्वर्ण 8 रजत और 6 कांस, बी ऑप्शन ये बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला जो प्रश्न है, पैरालंपिक 2020 में भारत के स्टार तीरंदाज हरविंदर सिंह ने पुरुषों के व्यक्तिगत रिकर्व ओपन में कौन सा पदक जीता है, व्यक्तिगत रिकर्व ओपन में कौन सा पदक जीता है, तीरंदाज है ये, तो इन्होंने हरविंदर सिंह ने जो पदक जीता है वो पदक आपसे पूछा जा रहा है, और वो पदक है कांस्य पदक। कौन सा पदक? कांस्य पदक, सी ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, तीरंदाज है और कांस्य पदक। मनीष नरवाल और सिंहराज अधाना ने टोक्यो पैरालंपिक 2020 के किस खेल के फाइनल में क्रमशः स्वर्ण और रजत पदक जीता है? एक का नाम है मनीष नरवाल और एक का नाम है सिंहराज अधाना, ये दो खिलाड़ी, एक ने जीता है स्वर्ण, एक ने जीता है रजत। कौन सा? ये क्रम ही ऐसे ही दिया हुआ है, मनीष नरवाल ने स्वर्ण और सिंहराज अधाना ने रजत, और ये खेल कौन सा था ये पूछा जा रहा है, तो इन्होंने भी ये शूटिंग निशानेबाजी में ही जीता है। निशानेबाजी का अपना बहुत अच्छा परफॉर्मेंस जा रहा है हर एक प्रतियोगिता में, ये ध्यान रखना, तो निशानेबाजी बी ऑप्शन करेक्ट है। और पैरा ओलंपिक में स्वर्ण पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला कौन बन गई? पैरा ओलंपिक में स्वर्ण पदक अभी तक किसी महिला ने हमारे यहां से जीता ही नहीं था, और वो बन गई अवनी लिखारा। अवनी लिखारा है क्या? शूटर है, निशानेबाज है। ऐसे प्रश्न आप जब तक प्रैक्टिस नहीं करेंगे तब तक आपका काम नहीं बनेगा, और प्रैक्टिस करने के लिए आप ओल्ड ईयर क्वेश्चन पेपर देखिए, और साथ में आप करंट के लिए और किसी भी एग्जाम को और अच्छे से करने के लिए उसके टेस्ट सीरीज को करिए। हमारी टेस्ट सीरीज भी आप ज्वाइन कर सकते हैं 6307281212 पर, व्हाट्सएप करके आप जानकारी लीजिए, और हमारा ये ऐप है IAS Prep Academy, तो उस ऐप को डाउनलोड करके भी आप उसको ज्वाइन कर सकते हैं। प्रैक्टिस जितना ज्यादा करेंगे आप एग्जाम पास करने के उतने ज्यादा नजदीक पहुंचेंगे। दीपा मलिक के बाद पैरा ओलंपिक में पदक जीतने वाली दूसरी भारतीय महिला बन गई कौन? दीपा मलिक ने जीता था, और उसके बाद में दूसरी अगर आपसे पूछ लिया जाए कि कौन बन गया, तो ये है भाविना बेन पटेल। इस बार के लिए पहला उन्होंने जीता, लेकिन दीपा मलिक के बाद पैरा ओलंपिक में पदक जीतने वाली दूसरी, क्योंकि दीपा मलिक पहले जीत चुकी थी। क्वेश्चन के आप इसमें देखिए क्या कहा जा रहा है, क्वेश्चन की लैंग्वेज पे जाइए, तो दूसरी उस तरफ से हो जाएंगी भाविना बेन पटेल, और नाम से ही आपको पता है कि ये कहां की होंगी। जरा कमेंट करके आप बताना कि ये कहां की होंगी, कहां की रहने। और एक क्वेश्चन बहुत ही अच्छा है, सुहास एल यथिराज, जिनको आप सुहास LY के नाम से जानते हैं, टोक्यो पैरालंपिक में सिल्वर मेडल इन्होंने जीता है, वो वर्तमान में किस जिले के जिलाधिकारी पद पर तैनात है, और इनका संबंध है यूपी काडर के, ये IAS है और इनका संबंध यूपी से, इस लिहाज से हो जाता है IAS है, और बैडमिंटन खिलाड़ी है, ये है क्या? बैडमिंटन खिलाड़ी है और दिव्यांग भी है। इन्होंने टोक्यो पैरालंपिक में सिल्वर मेडल जीता है, सिल्वर मेडल जीता है, और इस समय पहले ये इलाहाबाद में प्रयागराज के भी DM रह चुके हैं, इस समय ये गौतम बुद्ध नगर के DM है ना। रितु सुहास इनकी वाइफ है, वो लखनऊ में किसी पोस्ट पे है, टोक्यो इस समय यहीं पे कहीं पोस्टिंग होगी, खैर वो आपसे नहीं पूछा जाएगा, और ये जो है ये गौतम बुद्ध नगर में है। टोक्यो 2020 पैरालंपिक खेल के शुभंकर को नाम दिया गया है। टोक्यो 2020 पैरालंपिक का अलग शुभंकर था, और जो ओलंपिक गेम हुए हैं उनका अलग शुभंकर था, तो टोक्यो 2020 पैरा ओलंपिक खेल का जो शुभंकर था वो सोमायती था। क्या था? सोमायती, बी ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, सोमायती। जापान की सांस्कृतिक परंपरा और आधुनिकता दोनों का ये प्रतिनिधित्व करता है जो ये सोमायती है, सोमायती जो नाम है, जो शुभंकर होता है बहुत कुछ सोच के उसका नाम रखा जाता है, और इसका अपना एक इतिहास होता है ना, तो ये मस्कट जो शुभंकर होता है इस लिहाज से ये पूछा इसी कारण से जाता है, क्योंकि बहुत चीजें उसमें उसको सोच विचार के बनाया जाता है। और मिराइतोवा जो था, ये जो वैसे प्रॉपर ओलंपिक हुआ तो मिराइतोवा उसका शुभंकर था, उसका मस्कट था, ठीक है, तो उसको भी ध्यान रखिएगा उस पर, और जो प्रश्न है उनको आप दूसरे वीडियो में देख सकते हैं। आपको ये कैसा लगा जरूर बताएं, और कमेंट करें, अपने कोई आपकी क्वेरी हो, सुझाव हो, और साथ में इसको शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू सो मच।